अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में, इस हरी भरी वीडियो में हम देखेंगे कि मिक्स वेजीज कैसे बनाए जाएं। इसे पंजाबी ज़ुबान में कुछ और कहते हैं, मैं तो इसे मिक्स सब्जी कह रही हूँ। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी गाजरें, फ्रेश फ्रेश सी, बिल्कुल रेड रेड सी। ये मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने इसमें मटर लिए हैं और कुछ स्पाइसेस। ये जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। मैंने आलू भी इसमें, आलू मैंने छोटे ही काटे थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटे थे। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी और वो पीछे मैंने सूखी मेथी ली थी, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत आउट क्लास होती है, मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने एक पैन में ऑयल को हीट किया और उसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं बहुत अच्छे से रोस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब भी सालन बनता है तो मैं इसकी खुशबू को बहुत इंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, यानी जिन्हें मैंने छील कर काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, मैं वो टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। सेम टमाटर की भी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। जब वो बिल्कुल एक प्योरी टाइप बन जाएगा फिर मैं उसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें था नमक, मिर्च, हल्दी। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से पकाऊँगी, आपको नज़र आ रहा है। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैं अभी सिर्फ इन मसालों को ही भून रही थी कि ये यकजान हो जाए, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम में तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और मटर तो मेरे फेवरेट हैं। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से और भून जाए। तो मैं बता रही थी कि मुझे मटर बहुत पसंद है। मटर को मैं डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करती हूँ, कभी सुहांचने में, कभी मिक्स सब्जी में, कभी चावलों में। चावल तो बनते ही रहते हैं, जिसकी शॉर्ट्स मेरे चैनल पर हैं। तो खैर, ये देखें, यहाँ पर ये प्यूरी रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसमें धोले हुए आलू डाल दिए, उनको भी मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी ताकि आलू जो हैं वो 3 से 4 मिनट में ही बस रोस्ट हो जाएंगे, यानी कि सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे लगे कि इसमें होना चाहिए, जिसमें ये आलू गल जाएं। वैसे आलू गलने में इतना टाइम नहीं लेते, तो इसीलिए बस बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। सब्ज़ी में मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी जो है वो अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगी। मैंने कवर कर दिया था। फिर मैंने 10-12 मिनट के बाद देखा तो आलू जो हैं वो पूरी तरह सॉफ्ट हो चुके थे। फिर मैंने इसमें गाजर और मटर भी डाल दिए। ये कितनी फ्रेश फ्रेश लग रही है। तो यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी कि जब भी ये डालें तो गाजरों का कलर रेड रखने के लिए आप इसमें हल्का सा सिरका डाल दें। उससे आपकी सब्ज़ी का कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि पकने के बाद सब्ज़ी जो बुझ सी जाती है वो नहीं होगी और ये बिल्कुल खिली खिली और फ्रेश फ्रेश रहेगी। यहाँ पर मैंने टमाटर और गाजर, मटर और गाजर दोनों में ही हल्का सा सिरका डाल दिया था और सालन नीचे ना लगे इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से फेरूंगी ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। बस फिर इसको मैं अच्छे से फेरने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए, जब मुझे लगेगा कि स्टीम ढक्कन पर आ गई है, फिर मैं इसको ओपन करूंगी। यहाँ पर सालन जो है वो भी पक ही रहा था। दूसरी तरफ मैंने इसके गार्निश का सामान रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने मेथी ली थी ड्राई वाली, धनिया था मेरे पास सब्ज़, सब्ज़ मिर्च थी, सूखा ज़ीरा और सूखा धनिया था। ये मैं तकरीबन हर सालन में ही बिल्कुल एंड पे डालती हूँ और उसके बाद इस सालन को दम दे देती हूँ ताकि एक बहुत अच्छी सी खुशबू सालन में बरकरार रहे। यहाँ पर ये देखें, इनका जो पानी अपना भी था और जो मैंने डाला था वो सारा पानी
रिलीज़ हो चुका था। तो ये मैं इसके ऊपर धनिया और ज़ीरे का पाउडर डालकर इनको अच्छे से भून रही थी। ये देखें, ये इसमें मैंने सिरका डाला था, तो ये गाजरें जो हैं ये पूरी तरह भुजी नहीं, यानी कि अभी भी थोड़ी रेड रेड नज़र आ रही हैं, और मटर तो बिल्कुल फ्रेश हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चों के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी जो सूखी मेथी थी मेरे पास, थोड़ी सी तो नहीं अच्छी खासी थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और मेरे पास ग्रीन वाली फ्रेश वाली मुझे मिली नहीं, अगर वो होती तो मैं लाजमी इसमें वो डालती, वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो इसी से काम चलाया जाए, इसीलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दी। और फिर मैंने इसको दोबारा 5 मिनट के लिए कवर कर कर यूं ही छोड़ दिया। उसके बाद बस तकरीबन तकरीबन ये रेडी था। उसके बाद मैं इसकी बस फाइनल लुक लूँगी। मैंने इस पर हरा धनिया काट कर बिल्कुल छोटे छोटे उसमें पीसीस भी काट कर वो मैंने इस पर गार्निश कर दिया। तो बस सालन बिल्कुल रेडी था। ये थी इसकी फाइनल लुक। होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।